गाड़ी में तेल ख़त्म हो गया है, इसलिए दिनेशपुर जाने के लिए हम लोग तेल भरवा रहे हैं सबसे पहले, क्योंकि रास्ते में फिर परेशानी हो जाएगी अगर यहाँ नहीं भरवाया तो। इसलिए हल्द्वानी में तेल भराते हुए चल रहे हैं। सबसे पहले आप सभी लोगों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। पहला, आज मैं दिनेशपुर जा रही हूँ, दिनेशपुर जो कि उधम सिंह नगर के पास में है और उत्तराखंड राज्य में स्थित है। एक छोटा सा कस्बा है लेकिन ये बहुत ही सुंदर और बहुत बढ़िया है। वीडियो आगे बढ़ाने से पहले यदि आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। चलिए चलते हैं दिनेशपुर की ओर। हम लोग दिनेशपुर जाने के लिए निकल चुके हैं और हम लोग मुखानी चौराहे से जा रहे हैं। मुखानी चौराहे में पहुंच गए हैं। मुखानी चौराहा पार करते ही दाहिनी तरफ हमको साईं हॉस्पिटल दिखेगा और सीधे आप यहां से चलते जाइए सुशीला तिवारी हॉस्पिटल के पास पहुंचना है। वहां पर एक बोर्ड लगा हुआ है जहां पर बताया गया है कि रुद्रपुर दिनेशपुर की दूरी कितनी है। बोर्ड से हमको गाइडेंस मिल रही है। यहाँ से सीधे टांडा जंगल की ओर जाना है। हल्द्वानी से रुद्रपुर 32 किलोमीटर है, करीब एक घंटे की जर्नी है हमारी। और हल्द्वानी से अगर हम दिनेशपुर जाएंगे तो वहाँ की दूरी 35 किलोमीटर है। हल्द्वानी से दिनेशपुर पहुँचने में करीब डेढ़ घंटा लगता है। हम लोग दिनेशपुर जा रहे हैं, हमको करीब डेढ़ घंटा लगेगा ही। यहाँ से दो रास्ते हैं, एक भूरा रानी के लिए जाता है और एक जाता है दिनेशपुर के लिए। हमको दिनेशपुर वाले रास्ते में जाना है। हम लोग जब दिनेशपुर की ओर जा रहे हैं तो चारों तरफ हरियाली है, चारों तरफ पेड़ लगे हैं क्योंकि यहाँ फैक्ट्रियाँ भी हैं, सिटकुल फैक्ट्रियाँ हैं। यह राजकीय इंटर कॉलेज जयनगर है। आगे चलते जाइए, आगे आपको बहुत हरे भरे खेत दिखाई देंगे। ये सुंदर सुंदर खेत दिखाई दे रहे हैं, हरे भरे। इनमें इस समय गेहूँ की फसल लगी हुई है और फसल बिल्कुल तैयार है कटने के लिए। शहरों में तो चारों तरफ मकान ही मकान दिखाई देते हैं, बिल्कुल भी ज़मीन नहीं दिखाई देती है। लेकिन दिनेशपुर आके बड़ा ही अच्छा लग रहा है, बड़ा सुकून मिल रहा है। चारों तरफ हरियाली है, खेत ही खेत हैं। लेकिन अभी यहाँ पर भी प्लॉटिंग होनी शुरू हो गई है, कई लोग यहाँ मकान बनाने के लिए प्लॉट खरीदने लगे हैं। अब हम लोग मार्केट में पहुँचने वाले हैं और मैं आपको दिखाऊँगी कि यहाँ की मार्केट कैसी है। ये देखिए फूल कितना सुंदर है और ये कटहल का पेड़ है, इसमें छोटे छोटे कटहल आने शुरू हो गए हैं। ये अब इस समय मैं दिनेशपुर के मार्केट में खड़ी हूँ, आपको मार्केट पूरी दिखाऊंगी। देखिए मार्केट कैसी है, मार्केट में सब कुछ दिख रहा है। दिनेशपुर एक छोटा सा कस्बा है लेकिन यहाँ हर आवश्यकता की हर सामान उपलब्ध है यहाँ की मार्केट में। ये मेडिकल की दुकान है, ये मिठाई की दुकान है और ये एटीएम बना हुआ है यहाँ पर। यहाँ पर हर प्रकार का सामान दिखाई दे रहा है और यहाँ पर छोटी बड़ी हर तरह की दुकानें हैं। कहीं पर फल लगे हैं तो कहीं पर सब्जी की और फलों की रेड़ियाँ लगी हैं। और जो दुकान वाले हैं वो कह रहे हैं कि हम लोग होम डिलीवरी भी देते हैं। ये दिनेशपुर का ये चौराहा है, इस चौराहे के चारों तरफ दुकानें हैं, आपको आवश्यकता की हर वस्तु यहाँ की दुकानों में मिल जाएगी। पहले जब मैं आई थी बहुत डेवलप नहीं था ये, 6-7 साल बाद आ रही हूँ मैं इस समय, लेकिन यहाँ बिल्कुल चेंज हो चुका है। इस समय मैं अपनी जिठानी के मायके में आ रही हूँ जिठानी से मिलने के लिए और पहुँच गई हूँ। अब मैं आपको अपनी सबसे बड़ी जिठानी से मिलाऊँगी। ये मेरी जिठानी है सबसे बड़ी, मंजू दीदी, इनका मायका दिनेशपुर में है। अभी आपको दिनेशपुर के बारे में बताएंगी कि पहले कैसा था, अब दिनेशपुर कैसा हो गया है। पहले यहाँ की मार्केट कैसी थी, मार्केट के बारे में बताओ। मार्केट भी छोटी थी, अब तो 1-2-4-5 साल के अंदर बहुत बढ़िया पूरा डेवलप हो गया है। अच्छा, मकान भी खूब अच्छे अच्छे सामने तो हर चीज मिल जाती होगी अब यहाँ मार्केट में। जाती है हर चीज, पहले जैसा नहीं होगा। पहले तो मैंने कम चीजें मिलती होंगी जैसे ना। अब सब किराए में भी मकान, सिटकुल में जितने हैं कर्मचारी लोग यहीं रहते हैं किराए में। सारे मकान किराए पे भी लग जाते होंगे। अच्छे आने जाने की सुविधा है, बढ़िया। अब सब
आपने देखा होगा मेरी जिठानी ने, मेरी मंजू दी ने दिनेशपुर के बारे में क्या क्या बताया। अब मैं भी वीडियो अपना यहीं पर समाप्त कर रही हूँ। अगली वीडियो मिलूंगी, तब तक के लिए नमस्कार।